Welcome to my YouTube channel Muslim Lords. New driving license कैसे apply करें? तो आज हम आपको बताएंगे driving license new apply करने का full process. इससे पहले आप हमारे channel पर नए हैं तो हमारे channel को subscribe कर दें ताकि हमारे new video आने वाले आप तक जल्द से जल्द पहुंचे. Driving license related सारा जानकारी आपको मिलेगा. तो सबसे पहले हम अपना Google Chrome में जाते हैं. इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे M परिवहन गवर्नमेंट. उसके बाद होम परिवहन सेवा में मारना है. ऑनलाइन सर्विस में आना है. यहाँ व्हीकल है, नीचे उसके लाइसेंस रिलेटेड है तो इस पे क्लिक करना है. फिर आपका जो स्टेट है वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद आपको न्यू अप्लाई करना है तो सीधे अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है. सबमिट पे क्लिक करना है. सिंपली इसमें क्या क्या है, एजुकेशन विथ के वैसे मतलब मोबाइल नंबर से OTP आएगा तो अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है. उसके बाद आपका नंबर पे OTP आएगा, वो OTP दीजिएगा. OTP करके और सबमिट बटन पर क्लिक करना है. उसके बाद स्टेट तो ऑटोमेटिक आ जाएगा. सिंपली आपको अपना RTO सिलेक्ट करना है. आप जिस RTO से आते हैं तो मैं अपना RTO सिलेक्ट करता हूँ. रिलेशन में फादर्स नेम फर्स्ट नेम डालना है. ओके. मेल सेलेक्ट करना है. प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट देना है, आपका जन्म स्थान कहाँ था. डेट ऑफ बर्थ अपना दे देना है. उसके बाद क्वालिफिकेशन आपका जो भी है वो आप सेलेक्ट, 10th पास है 10th, अगर 8 क्लास पास है तो 8 क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप जो भी है वो ब्लड ग्रुप आप डालेंगे. फिर यहाँ पर पूछता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका अगर बॉडी में कहीं खटा फटा निशान है कुछ है तो वह टाइप कर देना है. सिंपली अगर आपका निशान में तिल का निशान है तो एमोल मार्क, चेहरा पर है तो फेस कर देना है, बॉडी में है तो बॉडी कर देना. तो इसके बाद अपना ब्लॉक चुन लेना है, ब्लॉक जो आता है. टाउन विलेज है, विलेज चुन लेना. उसके बाद हाउस एंड इसमें परमानेंट एड्रेस देना आपका जो एड्रेस एट, हम अपना एड्रेस देते हैं. उसके बाद नीचे सिंपली पूछता है पुलिस स्टेशन कहाँ है तो यहाँ पर दे देना है. पुलिस स्टेशन जो दिया तो अरबिया है, मेरा पोस्ट मेरा अरबिया है. तो और एरिया पिन कोड अपना दे देना है. उसके बाद परमानेंट एड्रेस में भी सेम पर यहाँ क्लिक कर देना, सेम एड्रेस को भी हो जाएगा. आपको अगर 2-4 का लाइसेंस बनाना है तो 2-व्हीलर हुआ मोटरसाइकिल विथ गियर NCWG इसको सेलेक्ट करना है. फिर लाइट मोटर व्हीकल ये 4-व्हीलर हुआ इसको सेलेक्ट करना है. उसके बाद यहाँ कहता है आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गेन इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ. क्या अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता था ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो यस करना है, अगर नो करना है तो नो कर देना. सिंपली हम नो करते हैं.
सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये मेरा एक्लोजमेंट आ गया है। एक्लोजमेंट को आपको यहाँ से प्रिंट एक्लोजमेंट पर करके प्रिंट कर लेना है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे अपलोड डॉक्यूमेंट मांगता है। डॉक्यूमेंट क्या हुआ आपका, आधार कार्ड हुआ और एक सर्टिफिकेट हुआ, 8th क्लास 10th क्लास जो भी 12th का है वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आधार कार्ड करना है और एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है जो कि हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से बनता है, वो आप वहाँ से बनवा करके अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो डॉक्यूमेंट सिंपली आपको PDF में स्कैन करना है और 200 KB में PDF में होना चाहिए। तो प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। सबमिट, ओके। और इसमें आपका एज प्रूफ मांगता है, एज प्रूफ कर देना है। सर्टिफिकेट मैट्रिक का लगाना है, SLC सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। अपना सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट नंबर जो भी है वो डाल देना है और कौन सा बोर्ड से इशू है तो वो दे देना है और इशू डेट क्या है वो दे देना है। इसमें फिर चॉइस फाइल पे आना है, आपका डॉक्यूमेंट जहां स्कैन किया हुआ वहां से इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ मेरा मार्कशीट PDF में स्कैन किया हुआ है तो इसको ओपन किया, अपलोड करना है। तो फिर कॉन्फर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है अपलोड, तो दूसरा फिर एड्रेस प्रूफ में देना है। एड्रेस प्रूफ में आप अपना वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड भी है। तो हम आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे, आधार का लास्ट 4 डिजिट नंबर हो तो डाल दीजिए, नहीं तो UID लिख दीजिए, डेट पर डाल के इंटर मार दीजिए। फिर चॉइस फाइल पे जाइए, फिर अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कीजिए, अपलोड कीजिए, कॉन्फर्म कीजिए। उसके बाद फिजिकल सर्टिफिकेट मांगा है, फिजिकल फिटनेस, तो इसमें आप जो हॉस्पिटल से जो बनाइएगा मेडिकल सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट में मेडिकल 01 नंबर फॉर्म आता है, तो यहाँ सिंपली चॉइस पे फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद वो मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। इस तरह आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका। अब करना क्या है, इसमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा। तो आगे चलते हैं, देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। सिंपली आपका फोटो भी स्कैन करना है और फोटो जो होना चाहिए, फोटो सिग्नेचर 20 KB के नीचे रहना चाहिए। तो ब्राउजर पर क्लिक करेंगे, आपका प्रोफाइल फोटो जहाँ पर है वहाँ पर जाना है। तो यार हम मेरा फोटो ओपन कर लिया इसको और सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लिया। सिंपली इसे अपलोड एंड फाइल पर क्लिक कर देना है। तो ये फोटो सिग्नेचर मेरा अपलोड हो चुका है। उसके बाद सेव एंड सिग्नेचर इमेज पर फाइल पर क्लिक करना है। सक्सेसफुल हो गया है, नेक्स्ट बटन। उसके बाद आपका एक फॉर्म निकलेगा, फॉर्म फिलेट, इस पर क्लिक करना है। यह फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। फिर इसका अगला प्रोसेस क्या होता है, फिर पेमेंट फीस कटाने का।
तो वो आपको हम प्रोसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट जो इसमें कटेगा इंटरनेट बैंकिंग द्वारा कटेगा। तो इसमें सिंपली ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीप अकाउंट सिस्टम पे करना है और कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद आपको ओके कर देना, फिर एग्री पे टर्म एंड एग्री पे टिक लगा करके प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। तो इसमें पीरियड ईयर में देना है 2022-23 और एनुअल देना है। उसके बाद ई पेमेंट पे देना है, आपका जो भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग आईडी है वो बैंक सेलेक्ट करेंगे तो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना इंटरनेट बैंकिंग आईडी देना चाहते हैं आप, क्रेडिट कार्ड से कटाना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कटा सकते हैं, या SBI का नेट बैंकिंग है तो उससे कटा सकते हैं। नेट बैंकिंग है मेरे पास, तो यहाँ सिंपली अपना यूजर नेम पासवर्ड देना है और आपका पेमेंट ओके होगा, फिर रिसीप प्रिंट कर लेना है। सिंपली ये प्रिंट कर लेना है, ये फॉर्म जो फिलेट किया है उसको प्रिंट करके निकाल लेना है। उसके बाद आप अपना RTO हो जाइए, वहाँ पर एग्जाम होगा, एग्जाम पासिंग होगा उसके बाद आप लर्निंग ले सकते हैं। ओके, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।